नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग. ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन से रिलेटेड है, स्पेशली जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया का पार्ट होता है उससे. इसमें तीन स्फेयर्स दिए गए हैं, कहा गया थ्री सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ मास एम एंड डायमीटर डी आर स्टक टुगेदर सच दैट द लाइंस कनेक्टिंग द सेंटर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ डी. देखेंगे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है तीन स्फेयर्स हैं, है ना, और यहाँ पर देखेंगे तीनों का सेंटर को मिलाया तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है. ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और ये जो सेंट्रॉयड है ट्रायंगल का उसको पॉइंट ओ कहा गया है. ठीक, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो डी के इक्वल आएगा, यानी कि जो डायमीटर होता है ना इनका, ये रेडियस आर, आर दोनों मिलाकर डायमीटर इक्वल होगा, ये भी डायमीटर के इक्वल है ना, ऐसा कहा गया. हमें पता करना है रेशियो आई ओ बाई आई ए. आई ओ मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आई ए मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक, तो कहा गया द रेशियो आई ओ बाई आई ए ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉयड एंड अबाउट सेंटर ऑफ एनी ऑफ द स्फेयर आई ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल. ये जो प्लेन बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस हो गया आई ओ और ये वाला एक्सिस हो गया आई ए. तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आई ओ. ठीक, तो उसमें एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, बाकी तीनों का जो है दोनों का उतना ही होगा, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहले एक का निकालते हैं, किसी एक का, जैसे इसका निकालते हैं तो इसका आता है 2/5 एम आर स्क्वायर आता है इसके अबाउट. फिर पैरेलल थ्योरम लगाते हैं, इसके अबाउट पता है तो पैरेलल थ्योरम लगा करके इसके अबाउट निकाल सकते हैं. इसके अबाउट आता है 2/5 एम आर स्क्वायर, आर को डी बाई टू लिखेंगे तो 2/5 एम आर स्क्वायर इसके अबाउट है ना, प्लस एम डी स्क्वायर. पैरेलल थ्योरम में एम डी स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो मास तो इसका लेंगे एम, और ये जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड लेंथ है डी, ये एंगल टोटल 60 होता है तो ये आधा जो है 30 डिग्री होगा. ठीक, तो ये डी कॉस 30 यहाँ से यहाँ तक इसका 2/3 ये होता है ना, तो डी कॉस 30 का 2/3 यहाँ पर आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का मिला करके इसके अबाउट आ गया. इसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ऐसा कर सकते हैं, अगर इस पूरे सिस्टम का इसके अबाउट पता है सेंटर मास के अबाउट, तो इसके अबाउट निकाला जा सकता है पैरेलल थ्योरम लगा करके, यानी कि आई ओ प्लस एम डी स्क्वायर. यहाँ पर एम पूरे सिस्टम का लेंगे 3m, और जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर है ना, ये डिस्टेंस हो गया 2/3 डी कॉस 30 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये तो आ जाएगा 13/10 एम डी स्क्वायर, और ये निकालेंगे 13/10 एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो मतलब ये आ जाएगा 23/10 एम डी स्क्वायर. जब आप रेशियो निकालेंगे आई ओ डिवाइडेड बाई आई ए, तो आई ओ जो है ऊपर 13 आ रहा है, इसमें 23 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 13/23. तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वही रेशियो दिया गया है 13/23.